नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संजीवनी बूटी में। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने अपर लिप्स के बालों को रिमूव कर सकते हैं घर पर ही, बिना किसी झंझट के और बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। आपको घर में ही यह सामान आसानी से मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने अपर लिप्स के बालों को हटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नुस्खे को बनाने का तरीका। सबसे पहले हम लेंगे एक खाली कटोरी। इस खाली कटोरी में हमें डालना है एक चम्मच चीनी। हमने इसमें एक चम्मच चीनी डाल दी है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच शहद। शहद और चीनी का यह मिश्रण आपके चेहरे के बालों को हटाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद ज़्यादा मिला सकते हैं जिससे कि ये चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे एक मिनट के लिए ऐसे मिक्स कीजिए ताकि शहद और चीनी आपस में मिल जाए। जब ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसे अपने अपर लिप्स के पोर्शन पे अप्लाई कीजिए और इसे हल्के से मसाज करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। इसे इस तरह से लेकर आपको अपने अपर लिप्स पर लगाना है। इसके बाद इसे कम से कम एक या दो मिनट तक गोल घुमाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है। याद रखें दोस्तों, आपको इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस हल्के हाथों से इसे मसाज करना है। धीरे धीरे ये शक्कर आपके चेहरे पर घुलेगी और इसकी वजह से छोटे छोटे जो बाल हैं वो निकलेंगे। तो दोस्तों हमने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है। अब आपको एक रुई की सहायता से इसे हटाना है, लेकिन हटाने से पहले आपको रुई की एक पतली सी लेयर इसके ऊपर इस तरह से चिपका देनी है। अब देखेंगे कि ये रुई इसके ऊपर अच्छे से चिपक गई है। इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही लगे रहने दें। उसके बाद आपके चेहरे पर जिस तरफ बाल हैं उसकी उल्टी दिशा में आपको इसे रगड़ते हुए उतारना है। हल्का सा प्रेशर डालना है और इसे उल्टी दिशा में ऐसे आपको रिमूव करना है। देखिए, इस तरह से मैंने पूरा शहद और चीनी इस कॉटन से रिमूव कर दिया है और साथ ही साथ जो छोटे छोटे बाल थे वो भी इस कॉटन की सहायता से रिमूव हो गए। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में अब बाल नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा नुस्खा जिससे आप आसानी से अपने अपर लिप्स के बालों को हटा सकते हैं। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए कि आपको इसका लाभ मिला या नहीं।